एक और पुस्तक संस्कृति खत्म हो रही है, बच्चे किताबों से दूर भाग रहे हैं। ऐसे में विदर्भ साहित्य संघ की ओर से बाल जगत के लिए बाल साहित्य के अलग अलग प्रकार उन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। डॉक्टर दिनेश काळे इनके बाल साहित्य के माध्यम से 22 नवंबर को बच्चों में अभिरुचि बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। सुप्रसिद्ध लेखक डॉक्टर दिनेश काळे लिखित बाल साहित्य व मूलांशी संवाद इस कार्यक्रम का आयोजन 22 नवंबर को सुबह 10:30 से दोपहर 4 बजे तक विदर्भ साहित्य संघ के सांस्कृतिक संकुल में होने जा रहा है। ये आयोजन विदर्भ साहित्य संघ और जिला परिषद के शिक्षण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों में साहित्य संस्कृति, पठन संस्कृति बढ़े, ऐसी बात आयोजित पत्र परिषद में दिनेश काळे इन्होंने कही। 22 जो कार्यक्रम होतो आहे आपला, त्याविषयीची एक रूपरेषा सर्वांना कळावी आणि बालसाहित्याविषयीची जाणीव आणि नेमकं काय बालसाहित्य असतं त्याविषयीचा एक वेगळ्या प्रकारचा आराखडा हा समोर यावा, त्यानिमित्ताने ही पत्रपरिषद आम्ही आयोजित केली होती। पण त्यामधून बालसाहित्य आणि वक्त्यांविषयीची जी एक प्रकारची एक आत्मीयता असते आणि कशा प्रकारे हा कार्यक्रम आहे आणि कसा हा कार्यक्रम पार पडणार आहे त्याविषयीचं एक सूत्र वाचवतं। नाही, हा एक दिवसीय पूर्ण कार्यक्रम आहे बालसाहित्याविषयीचा। यामध्ये सर्व बालमय प्रकार, बालकथा, बालकविता, बालनाटिका, कुमार कादंबरी, थोरा मोठ्याच्या गोष्टी, व्यक्तिगत विकास, वेळेचे व्यवस्थान, हे सगळं हे जे प्रकार आहे बालसाहित्याविषयीचे, या प्रकारावर वक्ते भाष्य करणार आहेत आणि त्यामध्ये मुलांचा समावेश असेल। वक्ता आणि विद्यार्थी यांच्या एकंदर समन्वयामधनं त्या साहित्य प्रकाराला सुलभीकरणामधनं प्रेक्षकांपुढे, मुलांपुढे हा प्रोग्राम सादर होणार आहे। फिलहाल टेक्निकल युग में साहित्य संस्कृति, पठन संस्कृति से बच्चे दूर होते जा रहे, इसी बात को मद्देनजर रखकर विदर्भ साहित्य संघ ने बच्चों को साहित्य से जुड़ने के लिए एक अलग तरह के उपक्रम की सोच को सामने रखा है। बच्चों में पढ़ने की अभिरुचि बढ़े, अलग अलग जानकारी उन तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है।